साल नया एनर्जी और नया खाना वगैरह तो हम लोग जा रहे हैं खाना बिल्कुल आज हम पॉम्पलेट खाएंगे आज हम लोग एकदम बंगाली डिश खाने के लिए जा रहे हैं मिनी कोलकाता में बिल्कुल तो रंजन बज गए दो तो हम लोग थोड़ा सा सुबह का जो काम वगैरह था छोटा मोटा हम लोग कंप्लीट करके अब रिलैक्स होके जा रहे हैं एकदम आराम से लंच करने जा रहे हैं तो लंच करने के लिए हम लोग लंच के टाइम में निकले तो इवनिंग तक पहुंच ही जाना है एक घंटा लगेगा तो पहुंचते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से अमेजिंग वे में मिनी कोलकाता में बंगाली डिश बिल्कुल चलिए साथ में बने रहिए आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मतलब हम लोग बंगाली है ये तो आप लोगों को पता है लेकिन बंगाली कल्चर बंगाली खाना इतना नहीं देखने को मिलता है क्योंकि हम यहाँ पर है हाँ जब घर जाती हूँ तब तो देखने को मिलता है तो अब आज यहाँ पर पूरा बंगाली खाना मिलेगा देखने को बिल्कुल तो देखिए फ्रेंड्स हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो यार राजमा चावल कढ़ी चावल बहुत ही बनाते हैं सब्जी चावल दाल चावल ये तो बनता ही है रोटी सब्जी बट प्रॉपर जो बंगाली खाना है ना वो आज हम भी एंजॉय करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे मतलब जो बंगाल में जो लोग हैं आज वो लोग पिकनिक कर रहे हैं हाँ। तो हम लोग यहाँ पर पिकनिक ही करने जा रहे हैं खाना वगैरह बंगाली खाना मन भर के पेट भर के खाएंगे आज चलिए तो आ गए हम कहाँ पर मिनी कोलकाता तो सीआर पार्क में हम लोग पहुँच चुके हैं चितरंजन पार्क और चितरंजन पार्क दिल्ली में आपके नेहरू प्लेस के बगल में नेहरू प्लेस कालका जी के बगल में और हमारे घर से काफ़ी दूर लगभग 45 मिनट से एक घंटा लग गया है बट कोई नहीं अपना गांव अपना देश चलते हैं फिर खाना खाते हैं कुछ चलो चलो एखने बसे না মিষ্টি ওটা নিও না কষাটাই নাও চিকেন কষা স্প্লিট করে দিন আর সোর্স ইলিশ করে দাও আচ্ছা ইলিশের ডিম ভালো হবে ডিম ভালো হবে এখন হবে না
प्लीज फॉलो मी। ठीक है छोर से लिख दुटु दुटु থাকবে না এক প্লেট তো বিছান তো আর চিকেন এর কটা চিকেন চার পিস চার পিস থাকে আচ্ছা ঝুড়ি আলু ভাজা ডাল ডাল আর মুসুরির ডাল আর ভাত ভাই দুটো করে দিচ্ছি হ্যাঁ শুধু আর কিছু না থ্যাংক ইউ। सो हम लोगों का ऑर्डर हो गया ना अरे मोटे ऑर्डर हो गया ना यहाँ समझ में नहीं आ रहा यहाँ बंगाली बोले या हिंदी बोले है ना हम लोग बंगाली रेस्टोरेंट में आके बंगाली होके हिंदी बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ये देखिए सारा अरेंजमेंट मन खुश हो जाता है बिल्कुल तो मैडम ने एकदम मन पसंद अपना जो मर्जी था बोल दिया आज इनसा फिश खा रहा इल्सा होता है बंगाली का प्रीमियम फिश वो जो नॉर्मली बारिश में मिलता है बट यहाँ पर अवेलेबल है आलू पटल आलू परवल चिंपू तो हम लोग ने ऑर्डर दे दिया जस्ट वेट कर रहे हैं खाली प्लेट आप ये इन लोग इनविजिबल खाना इनका चल रहा है खा लो खा लो खत्म कर दो जल्दी से क्या खा रहे हो ये ऐसे कौन मुंह बना के खा चिकन ऐसे चम्मच से বাংলা পারশে মাছকে ধুই জিরের বাটায় দাও हो गया लंच हो गया कमन हो लंच फर्स्ट क्लास बैक टू बैक कैमरा चल रहा अभी बढ़िया खाना एकदम बंगाली का अब नीचे आ गए हम लोग यहाँ पर बंगाली स्वीट्स की मिट्टी रोई ना की चलो मिस्टी रोई देखी यहाँ पर ना बंगाली बंगाल के सारे जो वो मिक्सचर बिस्किट वो सारा नीचे स्टोर है तो मैंने श्रेया को बोला कि चलो वहाँ देखते चलो ऐसा तो हम लोग मार्केट में घुस गए बंगाली ये देखिए श्रेया को अपने मतलब का सामान मिल गया टाइप আমি সব খবর আছে আমার কাছে মুখরোচক এটা নিয়ে নাও মিক্সারটা আমি স্ক্যান করে নিয়েছি আগের বারে কোথায় কি আছে ভাইয়া কে দোকান মে মিল গিয়া সারা বেঙ্গলি না এটা লালটা লাল না ওইটা ওইটা মনে হচ্ছিল কোথায় সবজি নেবে নাকি মোচা নিনো নিনো यहाँ पर मिल गया हमें मोचा मोचा होता है बंगाली आपका मोचा मोचा ना मोचा
तो मोचा रानना होगा, मतलब मोचा घर पे बनाएगी सिया। अरे ग्लू, हाँ हाँ ग्लू भी लेंगे, इनको एक्टिविटी चलता रहता बाहर भी। टाइम स्वीट्स का मिस्टी, अरे नहीं मिस्टी धोई नहीं है बाबू रखा हुए একটা নিয়ে না, তবে দুজন যদি খাই গাড়িতে। তো অনেক সে আগেবারও বলেছিল নিয়ে না নিয়ে না। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে দিছি দেখি। हो गया अपना, स्वीट्स ले लिया श्रेया ने, और क्या क्या बिस्क फार्म ये सब ले लिया, कैलेंडर भी भैया ने दे दिया पीछे, तो बोल रहे कैलेंडर लेके गया बंगाली कैलेंडर। आमराज बंगाली, जैसे मतलब मैंने सामान अभी लिया है ना फ्रेंड्स, ऐसे ना मम्मी के घर से जब आती हूँ तब बैग में भर भर के लेती हूँ, ऐसा कि अभी तो नहीं मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, मतलब सारा चीज मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये मतलब सच में मिनी कोलकाता ही है। कोलकाता में हाँ। मतलब दुकान में इधर उधर जा रहे सब बंगाली में बोल रहे कि भैया ये दे दीजिए, मतलब बंगाली में कुड़ी टकर पेस्ट दे दी। हाँ तो ऐसे तो लग रहा है कहाँ आ गए भैया, तो अपने जगह में आ गए। तो हम लोग का हो गया बहुत एकदम पार्टी अच्छा सा आज, लंच इल्सा फिश और स्वीट्स भी श्रेया ने ले लिया, घर का सामान ये देखिए लिए और कैलेंडर मिल गया, और मेरे हाथ में इधर आलू पटल है जो बोला कि पैक कर देने के लिए, तो पैक कर। मैंने सर को मना किया था मत लीजिए, नहीं खा पाएंगे, फिर भी लिया, घर पे खाएंगे आराम से। ठंड बहुत है बहुत ज्यादा है। चलिए फिर निकलते हैं और जाते जाते भी हमें लग जाएगा एक घंटा, और घर में जाने का टाइम कम टाइम लगता है। हाँ और घर पे आज थोड़ा सा जाके मूवी वगैरह का प्लान था है। अन्नपूर्णा स्वीट्स हाउस और पीछे दादू दुकान, दादू चौपे दुकान है आज पीछे, तो पूरा लोड हो गए हम लोग खा के, तो फिर अब जगह नहीं बचा है। मूवी टाइम, आज हम लोग मॉर्निंग से एकदम रात तक वही चीज करेंगे जिस चीज में हम पूरे फैमिली एक साथ रहेंगे, मतलब जो करने की थी। तो अभी पॉपकॉर्न बन गया एकदम, तो पॉपकॉर्न के साथ मूवी होगा, पुराना मूवी देखेंगे एकदम उस टाइम का फनी मूवी। और इसके बाद आज है फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे से हम लोगों का क्या स्टार्ट हो गया है, मैडम का स्वीट्स खाना स्टार्ट हो गया है। हालांकि स्वीट्स मैंने भी खाया बहुत बढ़िया एकदम, इतना भरपेट खाना खाया ना तब भी मन कर रहा है और खाना खाने का। खाना बहुत टेस्टी है, सबसे बड़ी बात है कि खाना बहुत हेल्दी है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। तो अभी जो बोल रही थी, अभी घर पे आए थे इनका स्टूडेंट विजय, तो विजय की वाइफ ने भी गाजर का हलवा दिखाती, तो गाजर का हलवा आ गया, और मैडम ने भी स्वीट्स लेके आए वहां से, तो एकदम खाना पीना चलेगा एकदम न्यू ईयर का। तो ये देखिए गाजर का हलवा, विजय की वाइफ मधु ने बना के भेजी है गाजर की हलवा, और मैंने अभी टेस्ट भी किया है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। और मैंने बनाई थी खीर जो कि विजय खा के गई है, और विजय को बहुत अच्छा लगा है। तो उन्होंने विजय ने स्वीट भी खाया और खीर भी, तो बोला मैडम खीर सबसे बढ़िया लगा एकदम, गुड़ का एकदम बढ़िया सा। तो ठीक है चलिए, मतलब अभी तक हम लोग विजय के साथ ही बात कर रहे थे, आ गए हम बहुत पहले, मतलब लगभग हो गया डेढ़ घंटा तो हो ही गया घर पे आए हुए,
और आके मैं चली गई थी छत पे पानी भरने और सर ने शाम का दियावती कर दिया। फिर उसके बाद विजय के साथ बातचीत हुआ, फिर पॉपकॉर्न बना के ब्लॉग को एंड करने आ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलती हूँ बहुत ही बढ़िया एक ब्लॉग के साथ। ब्लॉग के साथ मतलब अब इस चैनल में ना बड़े बड़े एक्टिविटीज भी होगा काफी सारा, आप वेट करो। मतलब प्लानिंग्स है, तो मतलब चलिए बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं। न्यू ईयर का फर्स्ट डे का फर्स्ट ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट पे बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलती हूँ फिर से एक बार। तो आज के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, टाटा।